तो गाइस स्वागत आप सभी का एक और डुओ रैंक पुश वीडियो में। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं तो मैं अभी रैंक पुश कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, कम से कम क्राउन अभी तो मैं पहुंच चुका हूँ क्राउन पे और फाइनली मेरा क्राउन तो हो चुका है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं तो मैं अभी कॉन्करर लगाने वाला हूँ, मतलब कि अभी बहुत कम ही टाइम है मेरे पास, कम से कम मान के चलो कि एक महीने का टाइम है। और एक महीने के अंदर वो भी एंड के, मतलब सीजन एंड के टाइम पे अभी कॉन्करर पुश करना स्टार्ट किया हूँ। तो अभी इससे पहले ये मत बताना कि भाई तो अभी इस टाइम पे क्यों स्टार्ट कर रहा है। तो मैं देखो इससे पहले दो आईडी कॉन्करर लगा चुका हूँ, उसके बाद जाके इस वाले आईडी पे रैंक पुश करना स्टार्ट किया हूँ। और अभी अगर मैं कॉन्करर पॉइंट की बात करूँ तो भाई देखो अभी जो कॉन्करर मिल रहा है आज के दिन, वो मिल रहा है 5,850 पॉइंट तक कॉन्करर मिल रहा है आज के दिन, ठीक है। मतलब कि मुझे मान के चलो कि 6,000 से भी ऊपर पॉइंट लग सकता है या फिर 6,000 पॉइंट तक तो लगने ही वाला है। और 6,000 पॉइंट में जाके मुझे कॉन्करर मिलने वाला है। और आप में से जितने भी लोग रैंक पुश कर रहे हो उनको भी थोड़ा वो टिप्स मिलेगा इस वीडियो में, तो वो भी देख के जाना। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर बग्गी लेके जा ही रहा था, उस टाइम पर दिखता है मुझे एक डासिया। अब डासिया दिखा तो मैं यहाँ पर सीधा मैं जा रहा था सामने ही, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि इस बंदे ने फायर लिया। लेकिन भाई हमारा किस्मत अच्छा कि मैं बच गया और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और इस बंदे को मारने के लिए यहाँ पर मैं रुक चुका था। तो भाई यहाँ पर मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। लेकिन भाई उसका जैसे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसका दूसरा बंदा भाई बचा हुआ है जो कि सैक के अंदर से मुझे साउंड आ रहा था। इस वजह से यहाँ पर मैं नेट कुक करता हूँ और बिल्कुल कुक करके फेंकता हूँ। तो भाई मुझे लगा कि ये ऑलरेडी हो गया, लेकिन भाई ऐसा नहीं था, एक और बंदा था जो कि भाई वहीं पे था। अब मुझे लगा कि ये बंदा साइड से होके ना मेरे टीममेट को फिनिश करने के लिए आएगा, इस वजह से यहाँ पर इस तरफ में नेट करता हूँ जो कि मेरा बिल्कुल भी नेट उसके पास पहुँचता नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो रिवाइव करता हूँ, क्योंकि इसका ये दूसरा बंदा था ना उसको तो मैंने नॉक फिनिश डाल दिया ना, तो ऊपर से आ सकता है कभी भी और कभी भी दोनों को ही मार सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर पुश करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। भाई फटाफट से भी पुश करना पड़ेगा, और मैं पुश कर ही रहा था कि तभी देखना कि मेरे टीममेट के साथ क्या होता है। तो भाई जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुआ, मेरे टीममेट को तो नॉक कर दिया है, बट इसके पास उतना एमो तो है नहीं, 30 एमो मिलता है बस। तो भाई इसी वजह से इसके पास तो बिल्कुल भी एमो नहीं था, इस वजह से यहाँ पर मैं सबसे पहले तो उस बंदे को मारने के लिए जा रहा था। तो उनका दोनों का ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर भाई दो बंदे को मार के ना मुझे 3 किल मिल गया। मतलब कि एक बंदे को नॉक फिनिश किया, वो बंदा ऊपर से नीचे आया, फिर से उसको ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट को उठा के यहाँ पर लिखाता हूँ और इस बार घर पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी एक दिखता है और हमको लेना था भाई फाइट। बट ये बंदा क्या करता है देखो, बस यहाँ पर मैं रुका, अभी तक भी कुछ भी साउंड वगैरह नहीं आया, मुझे लगा कि बंदा है ही नहीं कोई भी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बंदे का मुझे थोड़ा सा भाई उसका हेड दिख गया था। अब कैसे दिखा था मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे मैं जा ही रहा था और तभी मुझे दिखता है उसका हेड, और इसके लोकेशन के बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था। इस वजह से इस बंदे ने मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज अटैक नहीं कर पाया, बट इस बंदे ने जो ही डैमेज दिया ना मुझे, मतलब बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ कि जैसे ही आएगा मेरे सामने उसको मैं नॉक कर दूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं, उसको मैं ही पेल देता हूँ और आराम से भाई M762 का पावर दिखाता है उसको। अब यहाँ पर देखते तो बहुत छोटा मैप हो चुका है और 10 बंदे सिर्फ अलाइव है, तो यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि जॉन जो है यहाँ से भी हटने वाले। और गाइस जितने भी लोग रैंक पुश कर रहे हो ना, इस डोमिनेटर पे, इस मास्टर पे हो, तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी किल निकालना पड़ेगा। अब किल निकालने के लिए मैं एक वीडियो बना दिया था कि भाई कैसे कैसे आपको खेलना चाहिए। अगर आप लोग कहीं पे भी उतरते हो ना इस वाले मैप पे, कहीं पे भी छोटा मोटा जगह पे उतरते हो, तो आपको 2-3 बोट तो मिल जाएगा। इस वजह से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको अगर प्लस कम मिल रहा है तो आपको किल करना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा प्लस मिलेगा। और किल करने से कभी भी मत डरना स्टार्टिंग टाइम पे, तो भाई थोड़ा बहुत रश करके खेलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिकॉल भी हो जाएगा। आपका रिकॉल एक तो बचा रहता ना, तो उसका भाई भरपूर यूज करो, क्योंकि क्या है ना, बड़ा वाला मैप को खेलोगे तो भाई बिल्कुल भी प्लस नहीं कर पाओगा। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई बड़ा वाला मैप खेलूंगा तो मेरा ज़्यादा प्लस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा प्लस है ना, तो आपको इसी मैप को खेलना पड़ेगा और इसमें आपको लेकिन 4-5 किल करना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा प्लस मिलेगा, वरना प्लस बिल्कुल भी नहीं मिलता, जो कि मुझे भी पता है अच्छी तरीके से। लेकिन आपको ज़्यादा प्लस मिल सकता है, बस आपको ज़्यादा किल करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा किल करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भाई बंदे को ही मारो, ऐसा भी हो सकता है कि आप बॉट को भी मार सकते हो और किल भी चुरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट किल मैटर करता है। थोड़ा बहुत किल अगर आप करोगे तभी जाकर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्लस मिलता है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मुझे दिखता है भाई एक बंदा, जो कि ये बंदा मुझे दिखा था, बट ये बंदा भाई कहीं पे लेट जाता है, इस वजह से इसके सामने भाई जाना बहुत ही ज़्यादा गलती होगा। इस वजह से यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रश नहीं करता, उसके ऊपर बिल्कुल भी चांस नहीं लेता, बट ये बंदा नेट पे नेट किया जा रहा था। पर ये बंदा है कहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो भाई फटाफट से यहाँ से गाड़ी लेके निकलते भाई, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा कैंपर है भाई, नेक्स्ट लेवल वाला।
इसको मैं गाड़ी से ही कुचल देता हूँ और इसको मैं नॉक मिनट डाल देता हूँ और यहाँ पर मुझे रिवाइव करना पड़ेगा अभी फटाफट से। तो भाई ये जो बंदा है ना, ये बंदा रैंडम है बट ये बंदा अच्छा था, मतलब मेरे साथ साथ ही आ रहा था। तो भाई मेरे टीममेट को किसी ने नॉक कर दिया, बहुत देर से बंदा ढूंढ रहा था लेकिन भाई कोई भी बंदा मिल नहीं रहा था। बट ये बंदा ना, मेरे टीममेट बोल रहा कि यहाँ पे कहीं पे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा है कहाँ पे। अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल भी कवर वगैरह नहीं है और यहाँ पर मैं पूरा ओपन में फंस चुका हूँ। बट ये बंदा ना इतना ज़्यादा कैंपर है कि बिल्कुल भी पीक वगैरह नहीं ले रहा है। लेकिन इस बंदे को मैंने देख लिया था और इस बंदे को मैं पीक करने का वेट कर रहा था, बट ये बंदा इतना कैंपर है कि भाई थोड़ा सा ही मजा कि वो वहाँ से हिल जाए अपनी जगह से। जैसे इस बंदे ने मुझे कोशिश किया मारने की, उसी टाइम पे यहाँ पर मैंने फायर लिया बट ये बंदा भाई छुप गया। अब यहाँ पर मैंने एक दो स्मोक कर दिया था कि उसका एंगल ब्लॉक हो जाए और यहाँ पर मैं क्लोजिन में जाके उसके ऊपर नेट कर पाऊँ। और सब सर एक और स्मोक करते हैं और भाई देख सकते कि अभी लास्ट जोन चल रहा है, मतलब कि इसके बाद और कोई जोन नहीं है और यहाँ पर मुझे अभी हिल बैटल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा गलती किया, अब वो गलती क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं अच्छा खासा हिल बैटल कर रहा था और उसी टाइम पे ना मुझे ये बंदा दिख जाता है, ये बंदा मुझे दिख रहा था बट यहाँ पर मैंने गलती ये किया कि उसको मैं मारने के जगह ना फिर से मैंने हेल्थ लगा लिया। अगर मैं मार दिया होता ना तो ये नौबत नहीं आता, मेरा अच्छा खासा एक चिकन मिल जाता। बट कोई ना कोई देश से तो मुझे 20 का प्लस मिल चुका है और मेरा हो चुका है भाई फाइनली क्राउन 5। और भाई बहुत ज़्यादा मजा गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तेरा अगर आपको वीडियो पसंद है तो जल्द से एक लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रैंक पुश वीडियो देखने के लिए।